चिल्ड्रेन, आज मैं आपका क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ओके, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बताया था, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ फिनिश होता है, इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गेन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था डाइजेस्टिव ट्रैक भी। आज जो है सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ इनसाइड द माउथ, ओके, इनसाइड द माउथ, हमारे माउथ के, मुंह के अंदर। ठीक है, When we chew the food, our digestive juice, saliva is mixed with it. जब हम खाना को चबाते हैं, chew करते हैं, ठीक है, यहाँ इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, यह हमारा दांत है और हम लोग क्या करते हैं, यही खाना चबाते हैं ना। तो when we chew the food, a digestive juice, saliva is mixed with it. आप लोग गौर करते होंगे कि हमारा खाना गीला गीला लगने लगता है हमारे मुंह में। क्यों लगने लगता है? क्योंकि एक डाइजेस्टिव जूस जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, लार बोलते हैं, वो हमारे भोजन के साथ मिक्स हो जाता है। अब इस सलाइवा में बहुत सारे चीज कंटेन होते हैं, जैसे एंजाइम हो गया कॉल्ड एमाइलेज, ये एमाइलेज एंजाइम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग चीविंग द फूड वी ब्रेक डाउन द फूड मैकेनिकली इंटू स्मॉल पीसेस, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड दे हैव वेरियस फंक्शन। जब हम खाना को चबाते हैं तो खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, पूरा एकदम महीन बारीक में स्मॉल पीस में टूट जाता है। और ये काम कौन करता है, हमारा अलग अलग तरह का दांत जिनका अलग अलग फंक्शन है, ओके। आवर फ्रंट टीथ कॉल इंसिसर, हमारा सामने वाला दांत जो है चार, इनको हम लोग बोलते हैं इंसिसर, और इसका काम है कटिंग करना। नेक्स्ट कैनाइन होता है, ये टियरिंग टीथ कहा जाता है क्योंकि ये खाना को फाड़ने में मदद करता है, और ये पॉइंटेड जो होता है, ऊपर दो पॉइंटेड और नीचे दो पॉइंटेड शेप का होता है। थर्ड वन जो है हमारा वो है क्रश करता है हमारे फूड को और ग्राइंड करता है, ये किसका काम है, ये प्री मोलर और मोलर का काम है, ये हमारे फूड को क्रश करता है, एकदम चूरा चूर्ण करता है, चर्ण करता है, और एकदम ग्राइंडर में जिस तरह मसाला हम लोग एकदम मिला देते हैं ना, पतला कर देते हैं, तो एकदम ग्राइंड कर देता है। ठीक है, ये काम है प्रीमोलर और मोलर्स का। एक व्हाइट सब्सटेंस हमारे दांत के ऊपर कवर है और ये हार्ड सब्सटेंस है हमारे दांत का, तो इसको क्या बोलते हैं, इनामेल, क्या बोलते हैं, इनामेल, और यही हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। एक ह्यूमन एडल्ट जो होता है उसको 32 टीथ होता है, ऊपर 16 नीचे 16 दोनों जबड़े में, दोनों जौ में, जबकि एक चाइल्ड जो होता है उनको 20 टूथ होते हैं, हाँ टीथ होते हैं, 10 जो है ऊपर और 10 नीचे के जौ में। जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ होता क्या है, 6 to 8 ईयर्स में जो दांत बच्चे का होता है, है ना, बचपन से फ्रॉम द बर्थ 6 मंथ से जो आपका दांत आना शुरू होता है टिल 6 to 8 ईयर्स तक जो दांत हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, दूध के दांत। उसके बाद ये 6 से 8 वर्ष में ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सेकेंड सेट का जो हमारा दांत इस पर जो रिप्लेस करता है मिल्क टीथ को, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब ये परमानेंट टीथ जो है हमारा लास्ट थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहता है, हमारा जब तक जीवन समाप्त ना हो जाए यह हमारा दांत हमारे साथ रहता है। ठीक है, और यदि ये गिर जाए, फॉल हो जाए, देन नो न्यू टीथ ग्रोज, कोई नया दांत फिर वापस नहीं आता है, इसीलिए हमें अपने दांतों का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब नॉर्मली क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ये, बट
दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल नहीं होते हैं। वेन एवर वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ आफ्टर ईटिंग देन सम हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो एंड प्रोड्यूस एसिड। लेकिन जब हम प्रॉपरली दांत को साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारे खाने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर जाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। और ये एसिड का क्या काम हो जाता है, हमारे इनामेल को डैमेज करना, हमारे इनामेल को नुकसान पहुंचाना और हमारे टीथ को डैमेज कर देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को हम लोग बोलते हैं टूथ डिके, दांत का सड़ना। और अक्सर ये दांत का सड़ना कब होता है, जब हम स्वीट्स, टॉफी, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ज़्यादा यूज करते हैं, तब क्या होता है, ये हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और हम इसे पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं, तब क्या होता है, ये टूथ डिके काउस करता है। यहाँ दिखाया गया ना, ये टूथ डिके काउस करता है, ठीक है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द टूथ पाउडर एंड द दातुन ट्वाइस अ डे एंड क्लीन द टीथ आफ्टर ईटिंग। इसीलिए हमें हमेशा दो बार दांतों को साफ करना है, चाहे वो टूथ पाउडर हो, टूथ पेस्ट हो, ब्रश हो या दांतों, ठीक है। नाउ द आवर टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गेन दैट हेल्प्स टू ईट फूड, इट पुशेस फूड टू इनसाइड द माउथ, इट ऑल्सो हेल्प टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा एंड एलेवन टू स्वेलो इट। हमारा ये टंग जो है ये हमारा मस्कुलर ऑर्गेन है ना, इसमें बोन्स नहीं है, ये मस्कुलर ऑर्गेन है और ये हेल्प करता है हमें बोलने में भी और खाना खाने में भी, ठीक है। ये खाना को क्या करता है, पुश करता है अंदर की ओर हमारे मुंह में और हेल्प करता है फूड को सलाइवा से मिक्स करने में, ठीक है, और हम इसी तरह खाना को निगल पाते हैं, ठीक। तो आज इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन द ऑल डायरेक्शन इफ वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग ऑल्सो। मैंने पहले ही बता दिया, ये हमें बातचीत करने में भी बोलने में भी हमें ये टंग हेल्प करता है, ये आराम से आसानी से हम इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में द फूड पाइप से स्टार्ट करूंगी। आज जो मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेंगे।